प्रदेश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। प्रदेश में कोरोना के यहां पर 14 संदिग्ध साइबर सिटी के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश से कोई भी संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। कोरोना को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोग खामखाई पैनिक ही हो रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं सारे दिन भीड़ में रहता हूँ, अभी आप देखें कितनी भीड़ खड़ी है लोग ज़्यादा। मैं तो परसों जो दिल्ली चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, अकेला मैं एक पैसेंजर था जिसने नाक पे मास्क नहीं लगा रखा था, बाकी जितने पैसेंजर थे सब ने, मतलब ये शहर में एक बिना बात के ये कल्चर चल पड़ा कि ये आ गया, कोई कहता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हो गया, वहाँ के प्रेजिडेंट को हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मामूली सी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अपने एहतियात ले रखे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने बार बार अनाउंस कराए कि हमने पूरे प्रिकॉशन ले रखे हैं, हर ज़िले पे दो दो वैन स्पेशली अपॉइंट करती। मैं नहीं समझता इसमें कुछ है, लोगों को भाई इतना करना चाहिए कि हमारी पुरानी संस्कृति है जो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का है जो बहुत वायरल बड़ा जल्दी होता है, तो इसमें हाथ नहीं मिलाएं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, घर में भी तो परिवार में रहती हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा है, लोगों को शांत रहना चाहिए, हौसले में रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पब्लिक में रह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं। हाँ, अपने आदमियों को नहीं चाहिए कि इस तरीके का फैसले। अब मैं इसके बाद भी मेरे 10 प्रोग्राम है, हालांकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी होने के बाद मैंने ग्रीवेंसीज कमेटी, ये वो क्राउड होता है एक हॉल में रहते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। मैं भी मीडिया खामखाई चर्चा करे, मैंने भी कैंसिल कर दी, पर बाकी अब मैं जा रहा हूँ गाँव में, मेरे प्रोग्राम है वो मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक जनरल एडवाइजरी वो सभी को कवर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो पब्लिक अपॉइंटमेंट है, भीड़ है, वो सारा सिनेमा स्कूल ये वो बंद कर ही दिए गए, मॉल बंद कर दिए गए, ये तो गवर्नमेंट एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है जो ज़रूरत नहीं थी, पर सब जगह ले रहे हैं तो सरकार को भी लेना पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी लोगों ने ऐसा सरकार ने करा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई डेथ नहीं हुई, कहीं 2, 4, 5, 10 केसेज हैं, यहाँ ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं अभी वो एग्जामिनेशन के लिए गए हैं कि हरियाणा में 20-30 लोगों को है।